हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्शन। अब देखते हैं कि इसके इमेज कैसे बनते हैं इससे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, पहले हम कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कनकेव लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कह रहा है, जो पहला पार्ट मैंने लिया है, इसको कह रहा है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे आप, इनफाइनाइट के ऊपर रखोगे। मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, ट्री हो गया, कोई सभी बहुत दूर में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, बहुत इनफाइनाइट पे रखा हुआ है कोई सभी ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकलता है। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आती है तो कहाँ से टकरा, कहाँ से गुजरती है, ये यहाँ पे बेंड होके ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस के ऊपर मीट करती हुई निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ये वाला लाइट भी ऐसे ही आ रहा है और ये भी कहाँ से, फोकस से होते हुए गुजर रहा है, ये भी ऐसे ही आ रहा है, ये भी फोकस पे गुजरता हुआ, ये भी, तो सारे के सारे जितने भी है ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, फोकस के ऊपर। तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा, कहाँ पे, फोकस पे। दूसरा, पॉइंट साइज का इमेज बना है, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड इन द सेंस कि ये इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा, इसमें आपको रियल तो पता लग रहा होगा लेकिन इन्वर्टेड पता नहीं लग रहा क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। ये काफी छोटा इमेज होता है, पता नहीं चलता है इसमें। आगे वाले में मैं बताऊंगा कि रियल इन्वर्टेड कैसे है वो, ठीक है। यहां पे देखो, जब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा पास ले आएंगे, मतलब सेंटर, ये 2F1 है ना, इसका नाम सेंटर बोल सकते हो तुम, या फिर 2F1 ही रखते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम इसके आगे रखें, जब यहां पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, जब यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये आपका लेंस है, सॉरी ये लेंस तुम्हारा थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया, ठीक है, दिख नहीं रहा है तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, कोई एक रे ऑफ लाइट आएगा पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। और आप लोगों को पहले ही मैंने साइन कन्वेंशन में बता दिया है कि जब भी पैरेलल आता है लाइट रे तो कहाँ पे से जाता है, ये फोकस के ऊपर से होते हुए क्रॉस करता है, ठीक है, ठीक है। मिरर वाले में क्या था, मिरर वाले में इस साइड रिफ्लेक्ट कर जाता था क्योंकि यहाँ पे क्या था, बीच में क्या लगा होता था, पेंट लगा होता था, लेकिन लेंस के केस में कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं करी होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लाइट रे कहाँ से, यहाँ से फोकस के ऊपर से होते हुए गुजर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा लाइट देखो, दूसरा लाइट को यदि तुम ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजारते हो, ये डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ये सीधा सीधा पास हो जाएगा, ये लौट के वापस नहीं आएगा, ये कहीं बेंड नहीं होगा कहीं, ठीक है, कहीं रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जैसे जैसे आएगा ना, जैसे लाइट आएगा ऑप्टिकल सेंटर से, ये एज इट इज मूव करके हुए यहां पे चला जाएगा। और यहां पे आप लोग देख पा रहे हो ये दोनों कहां पे, यहां पे क्रॉस हुए हैं आपस में, आपस में जहां पे लाइट रेज मीट करती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। जहां पे लाइट रे कटती है, जहां पे लाइट रे आपस में कटती है वहीं पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा, ठीक है। देख पा रहे हो आप, ये इतना बड़ा, इसका साइज कितना बड़ा है और इसका साइज कितना छोटा है, तो स्मॉल साइज बनेगा पहली बात। दूसरा बात, ये कहां बन कहां रहा है, एफ और 2F के बीच में बना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो इसका पोजीशन क्या होगा, 2F से लेके एफ के बीच में फॉर्मेशन हुआ इमेज का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि रियल और इन्वर्टेड, रियल इन द सेंस कि इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। और इन्वर्टेड तो आप लोगों को साफ साफ इस वाले केस में पता लग ही रहा है कि ये क्या है, उल्टा बना हुआ है, इमेज सीधा था, अब सॉरी ऑब्जेक्ट सीधा था और इमेज क्या हुआ, उल्टा फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को 2F के पास रखेंगे, 2F से बियॉन्ड रखेंगे तो ये इमेज का फॉर्मेशन 2F और F के बीच में होगा और साथ में रियल एंड इन्वर्टेड के साथ स्मॉल साइज भी फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सेंटर पे रख देंगे, मतलब 2F के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, आप लोगों को आइडिया थोड़ा थोड़ा लग ही गया होगा कि जब सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर पे ही इमेज बनेगा। देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें से एक पैरेलल लाइट रे ऐसे निकलती है। अब पैरेलल लाइट रे आती है तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस के ऊपर से होते हुए क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और दूसरा चीज है कि यदि इसको ऑप्टिकल सेंटर से यदि एक लाइट रे यदि गुजरता है तो कहाँ से जाता है, ये एज इट इज जैसे आता है वैसे ही उसी तरीके से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं आपस में, ये दोनों लाइट रे जो है वो आपस में इंटरसेक्ट किया है 2F2 के ऊपर, तो जहां पे क्रॉस करता है इमेज का फॉर्मेशन
वहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में आप लोग देख पा रहे हो कि इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज, जैसा ऑब्जेक्ट तुमने लिया था वैसा ही इमेज उसका साइज सेम साइज का बना है, लेकिन रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि इसको स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर पाएंगे, और इन्वर्टेड तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका पाँव ऊपर सर नीचे, सॉरी इसका सर ऊपर पाँव नीचे, इसका पाँव ऊपर सर नीचे हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, और बाकी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है 2F के ऊपर फॉर्मेशन होगा इमेज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे है हमारा जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, F और 2F के बीच में रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखेंगे मतलब सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो अभी सेम चीज़ है, यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे आई है और ये कहाँ से फोकस से होते हुए गुजर जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइट रे फिर से हम इसके क्या ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजारा है, ये देखो ये कहीं कुछ यहाँ पर जाके ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो इमेज का फॉर्मेशन भी उसी पॉइंट पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, हम तो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, लाइट वाले चैप्टर रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेम केस, यहाँ पर कैसा लार्ज इमेज बना है, लार्ज इमेज बोले तो जितना बड़ा लिया था उससे बड़ा इमेज बना है। 2F के बाहर, जब तुम 2F और F के बीच में रखोगे ना तो कहाँ बनेगा, F के बाहर मतलब सेंटर के बाहर बनेगा, कहाँ बनेगा, सेंटर के बाहर मतलब 2F2 के बियॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्यों, स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकता है, इन्वर्टेड क्यों, वो तो दिख रहा है, अंधे थोड़ी है हम लोग, है ना। चलो आगे चलते हैं, आई होप कि ये समझ में आएगा, ईजी है, सब में ऐसा ही है लगभग में, ज़्यादातर में एक तो आपको पैरेलल लाइट रे लानी है और दूसरा लाना है आपको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना है, ठीक है। कुछ एक केस हैं अलग अलग, उसमें देखेंगे हम। इसमें भी देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जब फोकस पे रखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम है, लाइट रे आ रही है ऐसे, एरो लगाना मस्ट है, ठीक है। एरो लगेगी तो ये क्या होगा, ये बेंड कहाँ से हो जाएगा, फोकस से होते हुए चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, जब इसको ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजारोगे तो ये एज इट इज चला जाएगा, जिधर से आया था उधर ऐसे ही चला जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं, नहीं कहीं टूटेगा ना, वापस जाएगा कहीं नहीं, ये सीधे सीधे ऐसे ही मुड़ के चला जाएगा, और ऐसे ही चला जाएगा। तो क्या ये लाइट रे का भी आपस में कटेंगी क्या, ये नहीं, ये तो हमेशा, ये क्या है, ये पैरेलल लाइट है, ये कहाँ पर जाकर कटेगी, इनफाइनाइट पर जाके, ठीक है, कहाँ पे, और इन्फाइनाइट पे जाके कटेगा तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज भी वेरी लार्ज बनेगा और साथ में रियल और इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि इस साइड बनाए तो रियल बनेगा और साथ में आपको पता लग रहा है नीचे बनेगा कहीं जाके इधर ऐसे ही बनेगा इन्फाइनाइट पे ना, तो कैसा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्फाइनाइट के ऊपर बनेगा, और ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, वेरी लार्ज होगा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम आपको उसको क्या रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रखेंगे तब क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं है यार, सेम है। देखो यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लाइट रे लानी है एक, ठीक है, ये क्या होगा, फोकस से होते हुए गुजार दोगे इसको, क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे को तुम क्या करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजारोगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रे आती है वो सीधे ही आती ही चली जाती है, वो मुड़ के नहीं जाती कहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, क्या ये लाइट रे कभी आपस में मिलेगी, नहीं, एक जा रहा है पटना, दूसरा जा रहा है दिल्ली, ठीक है, तो दोनों आपस में कभी मिलने ही वाले नहीं है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे, इधर तो मिलने से रहा, तो इमेज का फॉर्मेशन तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि क्या कोई जुगाड़ लग सकता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका भगवान होता है। तो यहाँ पे देखो, इसका भगवान है इधर, मतलब पीछे की तरफ इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये पीछे की तरफ यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पे कट रहा है, तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, ऐसा यहाँ के ऊपर, और यहाँ पे यदि बनेगा तो इमेज कैसा है, देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये कैसा है, वर्चुअल इमेज है, पहली बात तो वर्चुअल है, और साथ में वर्चुअल है तो हमेशा सीधा होगा, रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो वर्चुअल और इरेक्ट तो मैं दिख ही रहा है कि एकदम सीधा सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट लिया था सीधा सीधा पोजीशन वाला, वैसा ही सीधा सीधा पोजीशन वाला ये भी बना है, ठीक है। और ये बना कहाँ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लार्ज इमेज है, क्यों, ये ऑब्जेक्ट देखो इतना टिंगू सा है, ये कितना बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है। पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना है, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा था उसके पीछे बना है, बस वही पोजीशन है इसका। तो ये था आप लोगों का कन्वेक्स लेंस के ऊपर क्या था, कि मतलब किस तरीके से कन्वेक्स लेंस जो है इमेज का फॉर्मेशन करती है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।